सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो थोड़ा सा भी देख लिया आपने, तो यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ 100% यहाँ पे आपकी जॉब लगने वाली है टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाल्कन इंटरव्यू है, डायरेक्ट यहाँ पे हायरिंग निकल कर आ चुकी है। और यहाँ पे जो है वो सभी छात्र छात्राएं जा पाएंगे जिन्होंने आईटीआई कर रखा है। और मैं आगे आगे बताने वाला हूँ कि आपने किस ट्रेड से आईटीआई कर रखा है, वो कैंडिडेट एलिजिबल है और कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, सारी प्रक्रिया मैं आप बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे टाटा मोटर्स वाल्कन इंटरव्यू, डायरेक्ट यहाँ पे आपकी जॉब लगने वाली है। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के बेस्ट पर, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बेस्ट पर यहाँ पे आपकी भर्ती होने वाली है, सिलेक्शन होने वाला आपका। और यहाँ पे जो टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर आपका काम जो रहेगा, सिर्फ आपको 8 घंटे तक काम करना होगा, और 8 घंटे की सैलरी देख सकते हो 12,600 रुपये पर मंथ से मैक्सिमम भी सैलरी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स कंपनी में काफी अच्छे अच्छे आपको बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। रहना, खाना, ड्रेस, मेडिकल की सुविधा और बस की सुविधा या आपके पास वो जो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करा रही है। हर महीना यहाँ पे सोमवार और गुरुवार को यहाँ पे इंटरव्यूज लिए जाते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस्ट पर यहाँ पे भर्ती होती है। तो कैसे आपको भर्ती होगा, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, जो कि वीडियो का कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्टेट, अपनी क्वालिफिकेशन, ये तीन चीजों को डाल देनी है। दोस्तों, ये तीन चीजें डालने में बिल्कुल भी ना झिझक करें, क्योंकि ये आपसे मुझे पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप ये तीन चीजें जो है जरूर से डाल दिया करें, ठीक है। अगर आपने मेरे टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई, तो जाकर के कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मैं वहां पे भी सबसे पहले चैनल से भी पहले पहले आपको अपडेट करा देता हूँ, ठीक है। तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, अब इसके हम बेसिक डिटेल्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सारी डिटेल्स यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए, बेसिक डिटेल्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पे देख ही सकते हो, टाटा मोटर्स लिमिटेड आईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2022 यहाँ पे पंतनगर में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। पंतनगर लेटेस्ट जॉब वैकेंसी 2022 है गाइस। यहाँ पे आपकी जो लोकेशन रहेगी पंतनगर यानी उत्तराखंड के अंदर रहने वाली है, और यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह देख पाओगे, एंड आपको कैसे ऑनलाइन करना होगा वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, जो कि यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, टाटा मोटर्स वाल्कन इंटरव्यू रिक्रूटमेंट 2022 टाटा मोटर लिमिटेड पंतनगर में वाल्कन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कराएगी, जिसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट और एप्रिएट कैंडिडेट इस कंपनी में जो है भाग ले सकेंगे, ठीक है। टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर में यहाँ पे वाल्कन इंटरव्यू के माध्यम से प्रत्येक महीने सोमवार और गुरुवार को यहाँ पे आपका इंटरव्यू के वेस्ट पर भर्ती किया जाएगा, ठीक है। वो सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने आईटीआई विभिन्न प्रकार की ट्रोडस यहाँ पे पास कर रखा है, वो सभी जा पाएंगे, और साथ ही साथ काफी अच्छी अच्छी सुविधाएं भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, टाटा मोटर्स लिमिटेड डायरेक्ट वाल्कन इंटरव्यू आईटीआई वाले छात्रों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ पे निकल कर आ चुका है टाटा मोटर्स कंपनी में, ठीक है। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, टाटा मोटर्स लिमिटेड आईटीआई पास जॉब रिक्रूटमेंट 2022 टाटा मोटर्स वाल्कन इंटरव्यू रिक्रूटमेंट पंतनगर 2022 डिटेल्स नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड जो कि पंतनगर की तरफ से वैकेंसीज निकली हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट आउट किया गया है। अप्लाई मोड की अगर बात करें यहाँ पे, तो अप्लाई मोड आपका कैसे रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो, ऑफलाइन के बेस्ट पर रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे वाल्कन इंटरव्यू रहने वाला है टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे प्रत्येक महीने के यानी नवंबर दिसंबर में प्रत्येक महीने के मंडे और ट्यूजडे के लिए यहाँ पे लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कराई जा रही है। यहाँ पे ड्यूरेशन जो रहेगी, यहाँ पे 12 मंथ के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर पोस्ट नेम एंड ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जो कि अगर आपकी ट्रेड यहाँ पे फिटर या फिर MB या फिर डीजल मैकेनिक या वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, पेंटर, ठीक है, इन ट्रेडों के साथ अगर आपने आईटीआई पास कर रखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सीओ अगर की ट्रेड से बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑटोमोबाइल है, फिटिंग है, वेल्डर है, ठीक है, फैब्रिकेशन है, और भी कई सारी यहाँ पे जो ट्रेड हैं वो निकल कर आ चुकी हैं। जॉब लोकेशन की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हो, पंतनगर के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। कौन कौन इस जो है बाल्कन इंटरव्यू में जा सकेगा, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट, जो दोनों ही कैंडिडेट जो जा सकेंगे। एंड अगर मैं बात करूं एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट यहाँ पे देख ही सकते हो, जो कि यहाँ पे मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज
26 होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी में डेट ऑफ बर्थ आपकी बिटवीन 1/12/1994 से लेकर के 1/10/2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे होनी चाहिए। एज रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे आप साफ साफ देख ही सकते हो एज रिलेशन के बारे में। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जीरो फीस रहने वाला है, कोई भी फीस आपको कोई भी शुल्क नहीं जाने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी आपकी क्या मिलने वाली है, सैलरी जो मिलेगी आपको यहाँ पे 12,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे रहेगा तो यहाँ पे देख ही सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इंटरव्यू के बेस्ड एंड मेडिकल चेकअप एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा जो कि आपने क्वालिफिकेशन 10th कर रखा हो, चाहे आपने किसी भी स्टेट से पास किया हो, ठीक है, और CBSE से किया हो, चाहे आपने ICSE बोर्ड से किया हो, ठीक है, ITI ट्रेड जो ITI जो आपने पास किया है, चाहे NCBT से हो या फिर SCBT से हो, ट्रेड मैंने आपको बता दी जो कि आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे नोट COE कैंडिडेट कंप्लीटली ITI मिनिमम 1.5 ईयर से लेकर के फर्स्ट ईयर मार्कशीट कंपलसरी होनी अनिवार्य है आपके पास। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट मस्ट डिक्लेयर एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड कैंडिडेट्स नीड नोट अप्लाई। यहाँ पे हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है जैसे डिग्री डिप्लोमा वाले वो यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। और अगर ऑलरेडी यहाँ पे कर रखे हैं, यहाँ पर काम कर रखा है आपने टाटा मोटर्स में, तो भी वो भी कैंडिडेट नहीं जा पाएंगे, वो भी नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे 12,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ESI भी यहाँ पे कटने वाला है 0.75% का यहाँ पे, ठीक है, जिसमें दोस्तों कैंटीन की सुविधा भी है, चाय की सुविधा भी है, स्नैक लंच डिनर, ठीक है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, और जो 70 रुपये पर मंथ यहाँ पे चार्जेस का कटने वाला है। एंड अगर ट्रांसपोर्ट फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो बस की सुविधा भी यहाँ पे रखी गई है, और यहाँ पे जो है आपको 450 रुपये पे करने होंगे। यूनिफॉर्म की सुविधा भी यहाँ पे रखी गई है जो कि एक जोड़ी जूतों की सुविधा भी है यहाँ पे, साथ ही साथ दो वर्दी यहाँ पे आपको 1 मंथ के अंदर यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है, और जिसमें आपका वीकली छुट्टी भी होगी, ठीक है, वीकली छुट्टी होगी जो कि संडे के दिन होगी। काम रहेगा सिर्फ आपको 8 घंटे काम रहेगा कंपनी के पॉलिसी के, ठीक है। और यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको क्या क्या लेके जाना होगा तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। टाटा टाटा मोटर्स कंपनी की तरफ से आपके पास जो है अपनी जो सर्टिफिकेट है 10th का वो आपके पास होना चाहिए, ITI का मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपने पास कर रखा है तो, अपग्रेड कर रहे हैं तो भी उसका एक एडमिट कार्ड वगैरह जो भी हो वो आपके पास लेटर होना अनिवार्य है कॉलेज का, कॉलेज की तरफ से भी। तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर के जाने होंगे जिसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे पीछे रेड बैकग्राउंड आपका यहाँ पे होना चाहिए या फिर वाइट होना चाहिए। गवर्नमेंट ID प्रूफ होनी चाहिए जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ये होनी चाहिए। पैन कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है, आधार कार्ड या पैन कार्ड कंपलसरी होना चाहिए जिसमें आपके जीरोक्स वगैरह और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेकर के जा सकते हो। एंड अगर बात करें यहाँ पे वाल्कन इंटरव्यू की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हो, नवंबर और दिसंबर एवरी सोमवार और गुरुवार को यहाँ पे 8 बजे से लग जाता है लगेगा। और एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख ही सकते हो प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 11 इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट सिडकुल पंतनगर, पिन कोड यहाँ पे देख सकते हो 2631-53, डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड, गेट नंबर 6 पर आपको जाना होगा, उपस्थित होगा। ये एड्रेस भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है। और जो बात करें हाउ टू अप्लाई की तो आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप नोटिफिकेशन ऑफिशियल इसका PDF नोटिफिकेशन देख पाओगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे वो भी बता देता हूँ। सो गाइस देखिए ऑनलाइन PDF देखने के लिए या फिर ऑनलाइन नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए कहाँ पर आना है, देखिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF की मदद से आप देख पाओगे। या फिर आपको क्या करना है, आपको आना है गूगल पर, ठीक है, और गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा सर्च बार का ऑप्शन जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, सर्च बार के ऑप्शन पर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा ऑनलाइन जॉब तक, जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन जॉब तक मैंने टाइप किया और टाइप करने के बाद जैसे ही मैंने सर्च किया आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है।
जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन जॉब तक, www.onlinejobtak, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। थोड़ा सा नीचे आपको आना है और नीचे आओगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फॉलोअर का ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे वाई फॉलो नहीं कर रखा, जरूर से यहाँ पे फॉलो बटन पे क्लिक करके, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास जब भी यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है यहाँ पे डाला जाएगा, आपके पास ना तुरंत से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जरूर से फॉलो कर सकते हो। एंड अब जब ऊपर आओगे तो ऊपर आने के बाद आपको फर्स्ट टैब पर देखने को मिल जाएगा टाटा मोटर लिमिटेड आईडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2022 पंतनगर, ठीक है। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पे रीड कर लेनी है, ठीक है। अब रीड करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, सारी चीजें यहाँ पे पढ़ लेनी है, ठीक है। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, आपको आना नीचे, ठीक है। और नीचे जब आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए क्या करना होगा, देखिए इन्होंने जो वेबसाइट पर नहीं बताया है, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाल्क इन रिक्रूटमेंट इन टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर आईटीआई पास कैंडिडेट और एपीएड कैंडिडेट यहाँ पे जो कि फाइनल ईयर में अगर कर रहे हैं वो भी यहाँ पे कैंडिडेट जो है जा सकेंगे मंडे और थर्सडे के दिन, ठीक है। यहाँ पे जो है पोस्ट अगर की बात करें तो यहाँ पे आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का नाम दिया गया है। ड्यूरेशन आपको 12 मंथ का यहाँ पे रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कि साफ साफ यहाँ पे दे रखी है। एज की बात करूँ मैं अगर, तो यहाँ पे 18 से लेकर के 26 वर्ष के बीच के उम्मीदवार जा सकेंगे, ठीक है। और अगर 10th क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th होना पास अनिवार्य है, जो कि आपने किसी भी स्टेट से आपने पास किया हो, चाहे CBSE से किया हो, UP बोर्ड से किया हो या फिर ICSE बोर्ड से किया हो, ठीक है। और जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है, रेगुलर आपके पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ITI आपने कर रखी हो, चाहे आपने SCBT से की हो या फिर SCBT से की हो, ठीक है। जो कि आपने जो ट्रेड है वो यहाँ पे फिटर हो, चाहे MMB हो, ठीक है, मोटर मैकेनिक व्हील हो या फिर डीजल मैकेनिक हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट, बहुत सारी यहाँ पे ट्रेड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है, ठीक है। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो कि मैंने आपको बताया, डिग्री डिप्लोमा वाले यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। और जो जो कैंडिडेट यहाँ पे टाटा मोटर्स कंपनी में ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो भी यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इंटरव्यू इन मेडिकल चेकअप के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड की तरफ से रहने वाला है। एंड स्टाइपेंड और फैकल्टी की बात करूँ मैं तो सैलरी जो कि मैंने आपको बता दिया 12,000 रुपये पर मंथ है। और यहाँ पे आपका 0.75% यहाँ पे आपका जो ESIC है वो यहाँ पे कटने वाला है। कैंटीन की सुविधा भी मैंने आपको बता दिया, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है, जो कि मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे समझ पाओ और अच्छी तरह से देख पाओ। तो यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दिए गए पते पर अक्टूबर से लेकर के नवम्बर दिसंबर 2022 के महीने में किसी भी सोमवार व गुरुवार को सुबह 8 बजे गेट नंबर 6 पर उपस्थित हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो ये नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो कि भाई हमें कहाँ पे आना है, किस तरह से आना है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स का ऑफिशियल ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट या फिर किसी तरह का सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे भाई, मैं आपको वहां पे भी रिप्लाई दे दूंगा। वरना मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया भाई, टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर जो है फॉलो जरूर से भी कर सकते हो।